हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा एडम बॉश फोर्थ मेथड। ये भी मिलने प्रिडिक्टर और करेक्टर मेथड जो है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, यहां पे आप आई टेप में जाके देख सकते हैं स्टूडेंट, वो अगर आप देखेंगे तो ये भी आपको समझ में आएगा। सो एडम बॉश फोर्थ प्रिडिक्टर एंड करेक्टर फार्मूला ये होता है। यहाँ पे ये जो Y4P है ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है और इस फार्मूले से हमारे पास क्या होता है, इसकी करेक्टेड वैल्यू होती है। अगर आपने इससे पहले मेरा मिलने जो PC मेथड है, प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ, वो आप देख लीजिए, उसके बाद ये आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। और इससे पहले न्यूमेरिकल क्लासेस के अंदर मैं जो टॉपिक्स डाल चुका हूँ, लाइक इंटरपोलेशन है और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है और जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रुंजे कुट्टा मेथड है, यूलर्स है, यूलर्स मॉडिफाइड है, पिकार्ड मेथड है, सो वो सब वीडियोस यहाँ आई टेप में आप जाके देख लें और उसके बाद आप इसको देखेंगे तो और भी अच्छा समझ में आएगा। सो क्वेश्चन देखिए आप, गिवन डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई बाय द एडम बॉश फोर्थ मैथड, वेयर वाई इज इक्वल टू आपको दे रखा है 0.1 पे 1 दे रखा है, 0.1.1 पे 1.233 है, 1.2 पे 1.548 दे रखा है, 1.3 पे इसकी वैल्यू 1.979 दे रखा है, तो आपको बोल रहा है कि y जब 1.4 हो तब इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट? सो क्या करेंगे हम, सबसे पहले वही मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको आप एक्स वाई मान लीजिए। सो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा। नाउ क्या करें आप, अब इसको ये एक्स ले लीजिए, ये वाई ले लीजिए और ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ। सो x की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, 1.1 दे, दिस इज एक्स जीरो, सो एक्स जीरो हमारे पास 1 दे रखा है, एक्स वन हमारे पास 1.1 है, एक्स टू हमारे पास 1.2 है, एक्स थ्री हमारे पास 1.3 है और जब एक्स फोर 1.4 है तब हमें वैल्यू निकालनी है, राइट? हमें y जीरो की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, जब 1 है तब इसकी वैल्यू 1 है, ये y जीरो की वैल्यू है, ये हमारे पास y 1 की वैल्यू है और y2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी 1.548 और y3 की वैल्यू हमारे पास दे रखी 1.979। इसके करस्पॉन्डिंग आपको सबसे पहले y4p निकालना है, देन y4c निकालना है, क्लियर? नाउ ये आपको जो क्वेश्चन दे रखा है ये, इसको f ले लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, f0 की वैल्यू निकालेंगे, तो जहाँ पर x है वहाँ x0, जहाँ y है वहाँ y0 रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x0 की जगह 1 और y की जगह रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। नाउ f1 ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1, है ना, जहाँ पर x है वहाँ x रखना, जहाँ y है तो यहाँ पे x1 है तो x की जगह x1 रखेंगे और y की जगह y1 रखेंगे, राइट? सो x1 की वैल्यू आपके पास 1.1 का होल स्क्वायर है ना, नाउ ये आएगा 1 प्लस इसकी वैल्यू है 1.233, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ f2 की वैल्यू हमारे पास है x2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस y2, सो दिस इज 1.2 का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस y2 हमारे पास दे रखा 1.548। नाउ हमारे पास f3 की वैल्यू आएगी स्टूडेंट x3 स्क्वायर 1 प्लस y3, x3 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1.3 का स्क्वायर 1 प्लस 1.979, राइट? सो हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करके इन सब की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ इसकी जो वैल्यू आएगी, है ना, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सो ये आएगा आपके पास 2, ये वैल्यू आएगी आपके पास 2.70193 और देन इसकी वैल्यू आपके पास आएगी ये 3.69912 और ये आपके पास वैल्यू आएगी 3.69 देन 5.034 and 51, ठीक है? सो ये सब वैल्यूज हैं जो आपके पास यहाँ पे आई है, दैट इज F1, F2, F3, है ना, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैलकुलेटर से आप सिंप्लीफाई कर लें, सो ये वैल्यू आएगी। नाउ अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें एडम बॉश प्रेडिक्टर एंड करेक्टर फार्मूला लगाना, सब ये जो फार्मूला होता है ये हमारा एडम बॉश प्रिडिक्टर फार्मूला होता है, देन ये हमारा जो होता है ये कौन सा होता है, करेक्टर फार्मूला होता है। सो y3 जो हमें दे रखा है स्टूडेंट वो दे रखा है 1.979 प्लस h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.1 है, सो यहाँ पे h होगा वो कितना होगा 0.1 होगा, सो 0.1 अपॉन 24। नाउ 55 f3 कितना है स्टूडेंट हमारे पास 5.003451 माइनस 59 F2 हमारे पास कितना है स्टूडेंट 3.69912 प्लस 37 F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.70193 माइनस 9 F0 की वैल्यू हमारे पास 2 है, सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे। सो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास जो Y4P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 2.70193
5723 आएगी, राइट। सो ये 2.5723 उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, y4 p की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा हमारे पास x3 1 प्लस y4 p का x3 का स्क्वायर। सो x3 हमारे पास सॉरी दिस इज x4 बिकॉज हम 4 निकाल रहे हैं ना, सो 1.4 का स्क्वायर 1 प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 2.5723 का होल 23 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एफ फोर पी की, और वो वैल्यू आएगी हमारे पास एफ फोर पी की वैल्यू हमारे पास आए, ये हमारे पास एफ फोर है, सो एफ फोर पी की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल रखी है। सो एफ फोर पी हमारे पास आएगा 7.0017, राइट। नाउ अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये सब वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, सो वाई फोर सी इज इक्वल टू हम इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो वैल्यू देखिए आप स्टूडेंट किस तरह से रखेंगे, वाई थ्री की वैल्यू हमारे पास है 1.979 प्लस एच हमारे पास 0.1/24 एफ फोर, एफ फोर कितना है हमारे पास एफ फोर पी, एफ फोर पी हमारे पास आया है 7.0017 और ये 19 है हमारे पास, है ना, प्लस 19 F3 है ना, सो F3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे माइनस का 19 है ना, सो 19 प्लस का 19 है, सो 19 F3 कितना है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 5.03451 है ना, माइनस का 5 F2, सो F2 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 3.69912 प्लस F1 हमारे पास है यहाँ पे 2.70193 एंड देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और कैलकुलेटर से, तो हमारे पास जो एफ फोर सी की वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी 2.5749, राइट। सो 2.5749 उठा के यहाँ रखेंगे, सो ये आएगा 2.5749। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट मैं आपको फिर से एक बार एडम बॉश फोर्थ मेथड बता देता हूँ। इस मेथड में क्या होता है कि कोई भी यहाँ पे दो टाइप के फार्मूला होता है, वन इज प्रिडिक्टेड फार्मूला होता है, सेकंड वन इज करेक्टर फार्मूला होता है। कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है ये मिलने प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड जैसा ही है, है ना, बस यहाँ फार्मूला थोड़ा डिफरेंस होता है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता पड़ेगा एग्जाम में कि यहाँ पे मिलने प्रेडिक्टर लगाना है या एडम बॉश लगाना है, तो स्टूडेंट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा बाय नेम कि यूज दिस मिलनेस मेथड या यूज एडम बॉश मेथड, राइट राइट। सो आपको जो बोले वो अप्लाई करना है ना, थोड़ा एडम बॉश फोर्थ मेथड का फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट ये ज़्यादा करेक्ट वैल्यू देता है एज कम्पेयर टू मिलने पीसी मेथड, राइट। सो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको आप एफ एक्स वाई मान लीजिए, ये आपका एक्स जीरो वाई जीरो, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री एंड देन एक्स फोर के लिए वाई फोर पी निकालेंगे एंड देन वाई फोर सी निकालेंगे, राइट। सो ये एक्स जीरो वाई जीरो उठा के इस एफ में रखेंगे तो एफ जीरो आएगा, ये दोनों उठा के यहाँ रखेंगे तो एफ वन आएगा, ये दोनों उठा के यहाँ रखेंगे तो एफ टू आएगा, ये दोनों उठा के यहाँ रखेंगे तो एफ थ्री आएगा, देन ये सब वैल्यू उठा के हम इस वाई फोर पी में रखेंगे स्टूडेंट। सो एफ थ्री एफ थ्री एफ टू एफ वन एफ जीरो और वाई थ्री सब रखा हुआ है, इन सब की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए तो आपके पास आएगा 2.5723, इसको उठा के यहाँ रखिए तो ये एक्स फोर और वाई फोर पी से हमारे पास एफ फोर पी की वैल्यू आएगी, ये एफ फोर पी उठा के इस करेक्टर फार्मूले में रखना पड़ेगा, सो यहाँ से इन सब की वैल्यू उठा के रखेंगे तो हमारे पास वाई फोर सी की वैल्यू आएगी। सो स्टूडेंट मैंने जो आपको मेथड समझाया एडम बॉश फोर्थ मेथड आपको समझ में आया होगा, अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे जो पुराने जितने भी वीडियो उनकी प्लेलिस्ट भरी हुई है, जो आई आई टी जैम है या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए गेट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये प्लेलिस्ट में आप जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और स्टूडेंट अगर कोई भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें या एक बार शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि उनको भी बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेसन्स, थैंक यू।